तन तन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज 180 अंग ते 83वां शब्द संपूर्ण करके 84वां शब्द महाराज बख्शिश कर रहे ने। अज दा पावन शब्द अपनी रसना दे उपर है। जिवें सतगुरां ने फरमाया, गुरु अमरदास महाराज ने, हे रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर कितै, जिचर हर रस पल्लै ना पाए, हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, बौड़ ना तृष्णा लागै आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिलै जिस आए, कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। सतगुरु महाराज अपनी जुबान नू रसना नू समझा रहे ने, क्योंकि जुबान साड़ी कर्म इंद्रा भी है ते ज्ञान इंद्रा भी है। जदों ये बोलती है तो इनू कर्म इंद्रा कहा जाता है, जदों ये रस लेंदी है तो इहदा नाम ज्ञान है, ज्ञान इंद्रा, जो दसदी है कौड़ा खट्टा मिठा कसैड़ा कैसा है। सो महाराज फरमाउंदे हन, गौड़ी राग दे च गुआरे दी जाति है, पंजवें पातशाह दा पावन शब्द है। हे मेरी जुबान, हे मेरी रसना, संबोधन करके कहंदे इनू, आन रसा जेते तैं चाखे, निमख ना तृष्णा तेरी लाथे। कहंदे हे मेरी जीभे, नाम रस तो बिना होर जिन्ने भी दुनियावी रस तू चखे ने अज तक, उन्हां नाल तैनू रज नहीं आया हुण तक, तेरी निमख भरपी जिहड़ी तृष्णा सी ओह लत्थी नहीं है। इस करके जिन्ना मर्जी तू खाई जा खाई जा खाई जा, लखां बरे भी खाई जावेंगी तां तेरा जिहड़ा है तृष्णा है वह नहीं लत्थनी। तैनू दसदे हाँ कि रजना किवें है तू, जिहड़ी चीज़ ने ना रजना है, हर रस का तू चख है साध, चाखत होए रह है बिस्माद। ये मेरी जेबा, जेकर तू कहंदे ने नाम रस का स्वाद चख लवें ना, तां चखदियां नाल ही तेरी जिहड़ी अवस्था है, चखदियां नाल ही बिस्माद हुंदी, अश्चर्ज हो जाएगी। फिर ये रस छाड़े वो रस आवा, जदों तैनू नाम का रस आ गया फिर दुनियावी रस नहीं चंगे लगने। अमृत रस ना पियो प्यारी, ए रस राती होए त्रिपतारी रहाओ। ए प्यारी रसना, तू नाम अमृत रस नू पीना कर, इस नाम रस विच रती हुई तू संसारक पदार्थां वलों तृप्त हो जाएंगी, रज जाएंगी। नाम अमृत रस नू पीना कर। ओ किवें पीए जी नाम रस? तां महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे पंजवें पातशाह, ए जिहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर 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 त्याओ। हे मेरी रसना, हे मेरी जुबान, तू राम दे गुण गाउणा कर, अभ्यास कर बाणी दा, बाणी पढ़, निमख निमख समय दे विच वाहिगुरु दे वाहिगुरु वाहिगुरु नाम नू त्याउणा कर, मन करके नाम नू, बाणी करके नाम नू, शरीर करके नाम नू त्याउणा कर। आन ना सुनिया कत हूं जाइए, साध संगत बड़ भागी पाई है। आन कतहू कहते होर किधरों हरी नाम सुनिया नहीं जाता, आन ना सुनिए। वड्डिया भागां नाल इह सतसंगत विच्चों नाम की प्राप्ति हुंदी, सतसंगत तो बिना ना किसी होर स्थान ते जाइए अते ना ही वाहिगुरु नाम तो बिना होर गल सुनीए। कर्मां अनुसार जे कतहू जाइए, किधरे चले भी जाइए, तो उत्थे होर कोई गल ना सुनीए। वड्डियां भागां नाल सतसंगत करनी जरूर पाईए, प्राप्त करिए। रस किन्नी देर बाद आउंदा है, किन्ना समा जबान नूं नाम जपना चाहीदा है, तां सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। ए मेरी जबान, तू अठे पहर दिन रात ओ परमात्मा दा आराधना कर, एक रस बिना किसे सोचे समझे, क्योंकि मन अंदरों बहुत प्रकार दियां शैतानियां करदा, इहदे नाल की हो जाएगा, वाहिगुरु कहण नाल की होएगा, मूल मंत्र नाल की होएगा, पाठ करदे बथेरे लोकी, मन अंदरों बोलदा
वो जबान नूं बंद कराउण दा यतन करदा, मन चाहुंदा कि मैनूं जबान अच्छे अच्छे गल्लां दी बजाए गंदियां चीज़ां सुनावे, जिस करके मैं बेकारी स्वाद लवां। पर सतगुरु कहिंदे ने इस मन नूं गंदा सुभाव ना पाओ, क्योंकि शुरू तो लैके जे चंगा सुभाव जबान नूं पै जावे मन नूं उही आपदी आदत बन जांदी, आदी बन जांदा। जिवें ध्रुव ते प्रहलाद जी ने बचपन दे विच ही नाम जपना शुरू किया, वो नाम दे आदी हो गए। बहुत सारे लोग जिहड़े ने जबान दे नाल गंदे गीत गाउंदे ने, कन्नां नाल गंदियां बोलियां सुनदे ने, फिर उन्हां नूं आदत बन जांदी, ये चंगी चीज़ भाउंदी नहीं है उन्हां नूं। गाणियां नूं गाउंदे रहिंदे ने, गुरबाणी अंदर सतगुरु कहिंदे मेरे मोहन सरवणी ये ना सुनाए, ये मेरे परमात्मा मैनूं कन्नां च ना ही सुनायो। साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए। इस करके सतगुरु जी कहिंदे ने अठे पहर दिन रात आराधना कर, जो पार ब्रह्म परमेश्वर सारिआं दा स्वामी है अगाध हुंदा डूंगा। ईहा ऊहा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली, ईहा ऊहा हुंदा लोक परलोक विच तू हमेशा सुखी रहोवेंगी, ये रसना हरी दे गुण गाउंदिआं तू अमोलक हो जाएंगी। इन्नी अमोलक रसना के लोग चाहणगे कि एक बोल बोल देवे, सत रूप हो जाएंगी, तेरा बोलिया सत हो जाएगा। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, ए रस राती बहर ना छोड़े। हुण जिस परमेश्वर की कृपा नाल सारी बनस्पति मौली प्रफुल्लित हो रही है, अते पेडे हुंदे ने ब्रिक्षां नूं फुल फल लगदे ने, इसे तरह जिस परमेश्वर की सत्ता नाल सतसंगत रूप बनस्पति खेड़ रही है, पाप प्रफुल्लित हो रही है, अते जग्यासु रूप जिहड़े ब्रिक्षां नूं धर्म दा फुल अते ज्ञान रूपी फल लग रहा। ये मेरी जबान जे तू एक बार भी इस नाम रस विच रच विच जावे तो फिर कदे भी उहनूं नाम रस नूं तू छड्डेंगी नहीं, क्योंकि नाम रस सब तो श्रोमणी है। आन ना रस कस लवै न लाई, कहो नानक गुर भए है सहाई। इस नाम रस दे लवै तो भाव सदर्श, आनन जे करिए भाव पाठ तो होर रस कस नहीं लग सकते। आनन हुंदा मुख, आनन रस कस लवै न लाई, रस हुंदे ने पीड़ के कढ़ी हुई चीज़ां, जिवें संतरे का रस है, गन्ने का आदक, होर कस हुंदा उबाल के सक्कां दे रस कस कढ़ने। इहनूं कहिंदे मूँह दे नेड़े भी ना लाओ। आन ना रस कस लवै ना लाई, महाराज कथन करदे नाम रस उहनूं प्राप्त हुंदा जिहदे सहायक होए ने सतगुरु आप, उहदे उत्ते सतगुरु की कृपा हुंदी। सो जिन्हां लोकां नूं बहुत माड़ियां चीज़ां खाण की आदत है और वह छड़ना भी चाहते ने माड़िया चीज़ा पीण वालिया खाण वालिया, उन्होंने इस शब्द का अभ्यास करना चाहिए। ये 84वां शब्द है 181 अंग ते, इहदे नाल जबान नूं उपदेश हुंदा कि तू ना खा ना खा, नाम का रस लै। 181 अंग ते सतगुरु महाराज गौड़ी राग विच बख्शिश करदे अगे, गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, मान मंदर तान साजी बार, इस ही मध्य बस्ता पार। मन रूपी मंदर है, ये आले दुआले जिहड़ा तन है शरीर है, स्थूल देह रूपी वाड़ बनाई हुई है, इसे मन रूप मंदर दे विच बेअंत वस्तुआं पईआं ने। जो ब्रह्मण दे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड विच व्यापक है उही शरीर विच है, इको ही रूप है दोवें, जो खोजा है सो पावै। इस ही पीतर सुनियत साहो, कवन बापारी जा का ऊहा विसाहो। इसे मन रूप मंदिर दे विच ही साहो परमात्मा सुनिया जांदा है, जिहड़ा अंदर मन मंदिर। हर मंदिर इहो शरीर है, ये भी सतगुरां ने कहा। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ
गुरु की कृपा वाला ही व्यापारी बन सकता जिस उत्ते गुरु साहब की मेहर होंदी है। सतगुरु कहिंदे पर कोई कोई व्यापारी बनता नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। परमेश्वर दे नाम रूप रतन दा केड़ा व्यापारी बनता केड़ा केड़ा बंदा बनता कहते जिहदे उत्ते गुरां दी कृपा होई है ओही नाम रूप रतन दा व्यापारी बनता जिस उत्ते गुरां दी कृपा होई है ओही नाम रूप भोजन नूं छकणा करदा अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। विश्राम दे के फरमाउंदे ने वैसे तो आपां नूं हुण तक पता लग गया कि जे कन्ना आ जे ध्यान देना फिर भी ख्याल रखो कि ऐड़े नूं कन्ना है इत्थे आहे नूं कन्ना है आहारी। मन तन अर्पी सेव करी जै कवन सो जुगत जित कर भीजै। मन तन दे अर्पणे रूपी सेवा नूं कौन करदा है कहिंदे जिस उत्ते गुरु साहब की कृपा है जिहदे ते गुरु की कृपा होई है सतगुरां की मेहर होई है ओही जीव मन तन दे अर्पणे रूप सेवा करदा गुरां नूं मन ते तन अर्पण कर दिंदा है। क्योंकि जद एक गल पक्की हो गई मन च घर छड्डणे रहना नहीं कोई शरीर छड्डना माया छड्डनी परिवार छड्ड के जाना है पर लोक नूं जाना है जिन्हां ने गुरु नूं मन्निया सतगुरु नूं मन्निया उन्होंने फिर ये गल नूं पक्कियां मान लिया मन दे अंदर भी आपां दुनिया वल नहीं देखना दुनिया तो की लैणा आपां गुरु साहब दे सिख हाँ आपां गुरु साहब दे बचन ही सुनने ने गुरु साहब दे बचन ही मनने ने। कहिंदे वो कहड़ी श्रेष्ठ युगती है जिहदे करके परमेश्वर विच बंदा रच मच जावे कहिंदे होर कोई युगती नहीं बस गुरां दी जिहड़ी कृपा होणी आ ना इहो श्रेष्ठ युगती है होर कोई युगती नहीं है। जे तां कृपा हो गई फिर तां ठीक है जे ना कृपा होई फिर कुछ भी नहीं होना उत्थे। ओ कृपा किवें लई है जी पाए लगाओ तज मेरा तेरा कवन सो जन जो सौदा जोरै। कहिंदे किरपा होवे तां ही मेर तेर नूं त्याग के बंदा चरणां नाल लगदा जिहदे उत्ते गुरां दी किरपा है उही श्रेष्ठ जन बनदा ते उही फिर परमेश्वर दे नाम रूपी सौदे नूं जोड़दा रहिंदा एक एक जिवें बंदा बूंद बूंद दे नाल कहिंदे गागर भर जांदी तुबका एक डिगदा होवे जिथे उह बाल्टी रखी है वह बाल्टी हौली हौली भर जाती एक एक तुबके नाल ही। और महाराज कहिंदे ने छिन छिन औद बिहात है फूटा घट जो पानी टुटे हुए घड़े विचों एक एक तुबका निकलता रहे तो घड़ा सवेर नूं खाली हो जाता जे घड़े विच बूंद बूंद पैंदी रहे तो घड़ा भर जाता। मीह दे नाल किन्नियां बूंदा डिगदियां ते समुंदर भर जाते नदियां भर जांदियां। सतगुरु कहते इसे तरह जे कला बह के नाम जपदा तो बाल्टी वांगू भर जाना घड़े वांगू भर जाना पर जे संगत विच बह के सिमरन करिए आपां तां फिर समुंदर वांगू भर जाईदा क्योंकि फिर बरसात ही हुंदी नाम की फिर गुरु साहब की कृपा बहुत बरसदी है जदों संगत बह के नाम जपदी आप अकाल पुरख हाजिर हो जाते हैं आप सतगुरु हाजिर हुंदे ने सतगुरु आप भी जपदे ने दूजियां नूं भी जपाउंदे ने। महल साहा का किन बिद पावै कवन सो बिद जित भीतर बुलावै। परमेश्वर दा जिहड़ा सरूप है किस विधि नाल पावे कहिंदे कहिंदे किरपा ही विधि है गुरां दी किरपा नाल परमेश्वर दे सरूप नूं पा सकीदा। सतगुरु अज किरपा ते दस दे वी किरपा ही सारे नाल वड्डी चीज है वह कहड़ी विधि है जिस करके परमेश्वर अपने अंदर बुला लवे सानू साढ़े क्योंकि साडा मन हमेशा बाहर नूं ही जाया रहिंदा बाहर नूं दौड़िया रहिंदा साडा मन अंदर नूं नहीं आउंदा। कहिंदे वो भाई किरपा ही विधि है गुरु की कृपा होवे तां परमेश्वर अपने अंदर बुला लैंदा उड़ीकदे रहो वारी च अंदर नूं ध्यान दे के हिरदे च नूं वाहिगुरु 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 करी जाओ कदे ना कदे तां अंदर नूं बुला ही लवेगा बाहर खिंडे हुए मन नूं अंदर बुला लेना। जदों एक हो गए दोवें जाने आत्मा परात्मा एको करै अंतर की दुविधा अंतर मरै तू वड़ साहो जाके कोट बन जा रे कवन सो दाता ले संचारे। कहने परमेश्वर तू सारे नालों वड्डा शाह है आप जी दे करोड़ों ही महात्मा रूप बन जा रहे ने आप दी प्राप्ति पर गुरु की कृपा नाल ही हुंदी है। वो केड़ा दाता जो सानू लैके परमेश्वर नाल संचारे हुंदा मिलना करे केड़ा दाता
कहिंदे गुरु ही श्रेष्ठ दाते ने जो कृपा करके परमेश्वर नाल सानू मेल दिंदे ने। इहदे लई खोज करनी पैंदी अंदर, खोजत खोजत निज कर पाया अमोल रतन साच दिख लाया। कहिंदे जिस वेले खोजत खोजत हुंदा ढूंढदिआं ढूंढदिआं भालदिआं होइआं अपने सत्संग घर नूं पाया तां कहिंदे गुरां ने कृपा करके अमोलक रतन वांगू जिहड़ा सच्चा परमेश्वर सी उहदे दर्शन करवाते ने। कर कृपा जब मेले साहे कहो नानक गुर कैवे साहे। महाराज कथन करदे जिस वेले परमेश्वर ने कृपा करके गुरां नाल मिलिआ, परमेश्वर ने गुरां नाल मिलना हुंदा जीव ते गुरां उत्ते वेसाहे हुंदा भरोसा कीता जदों, तां गुरां ने कृपा करके साहे तो भाव पातशाह परमेश्वर नाल मिला दिता, गुरां ने कृपा कीती। तो इस पहले भाव अर्थ विच आपां ने वाहिगुरु की प्राप्ति विच गुर कृपा नूं मुख रखिआ। जगियासू ने बेनती की समान करके तो परमेश्वर सारे व्यापक है, एक समान परमेश्वर की जोत है, पर उहदे रहण दा विशेष थां किहड़ा है? सतगुरु महाराज उत्तर दिंदे ने मन मंदर। कहिंदे विशेष करके उह परमेश्वर मन रूपी मंदर विच ही रहिंदा। जे मन रूप मंदर विच रहिंदा तां मिलदा क्यों नहीं फिर सानू? जगियासू की बेनती है। तान साजी बार, कहिंदे इस मंदर दे आले दुआले तान जिहड़ा अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश इत्यादिक पंजां कोशां रूपी वाड़ बनाई होई है, इस करके वह परमेश्वर मिलता नहीं। वह है अंदर, जिवें खाण हुंदी ना कोलियां दी, उहदे विच हीरा लुकिया हुंदा। इस तरह ही यह शरीर बाहरों अस्थूल जिहड़ा पंजां तत्तां दा बनिया होया, इहदे अंदर आत्मा रूपी हीरा लुकिया होया है। वह परमेश्वर शरीर के अंदर ही बसदा, हुण लभना तेरा काम है। इस ही मध्य बसत अपार, इस मन रूप मंदिर विच अपार वस्तुआं का मालक परमेश्वर बस रहा। इहदे मन के अंदर ही बहुत, जिवें सतगुरु महाराज कहिंदे ने बहुत कुछ है मन के अंदर, इस मन को कोई खोजो भाई। इस ही भीतर सुनियत साहो कवन बापारी जा का ऊहा विसाहो। परमेश्वर की प्राप्ति का कवन बापारी व्यापार कराने वाला कौन है? महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जा का ऊहा विसाहो तो भाव जी का उस परमेश्वर उत्ते भरोसा है, उ व्यापार दे कराने वाला है। उस महात्मा द्वारा ही इस ही भीतर सुनियत साहो ब्रह्म ज्ञानी दे राही ही इसे मन रूपी मंदिर दे विच पातशाह परमेश्वर सुनिया जांदा है। सतगुरु भी उही दसदे ने, सतगुरु दसण वाले ने, ब्रह्म ज्ञानी खोजकर्ता ने, वह खोज करके लभ लैंदे ने। फिर वह जिवें सतगुरु जी तां बाबे बकाले कोठे विच ही बैठे सी अंदर भोरा साहब च, सतगुरु अंदर बैठे ने, मक्खण शाह ने खोजिया है। जब खोज के पता लग गया कि यही सतगुरु ने, उन्हें फिर कोठे ते चढ़ के परना घुमा के रौला पाया, गुरु लद्द हो रहे गुरु लद्द हो रहे। इस तरह सतगुरु दस दे कि तेरे हिरदे अंदर ही बैठा हाँ मैं, परमात्मा की जोत तेरे हिरदे विच ही है। फिर की हुंदा? फिर महात्मा आम जग्यासु मेहनत करदा 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 उत्थे पहुंच जांदा। जदों पहुंच गया मिल लिया परमेश्वर के दर्शन हो गए, तां फिर उन्हें दस्या कि वाहिगुरु साडे अंदर ही है। मैं देखिया कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, पर लोग नहीं मानते, मन मानने लोग ना भतीजा। कबीर जी कहिंदे ओ मैं आप देखिया अंदर जोत दिखदी है। लोग कहिंदे एवें कबीर गल्लां मारदा, लोग कदे किसे ते यकीन नहीं करदे ने। हुण कबीर जी कहिंदे मन मानने लोग ना भतीजा ना भतीजा तां क्या कीजा। फिर आपां हुण की कर सकते हैं जदों आपां तां सच ही दसदे हां? गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सब सच दसदी है, पर लोग नहीं भतीजते हैं, लोग भरोसा नहीं करते। कई गल्लां नूं लोग नाले मत्था टेकी जाते महाराज नूं, नाले कहिंदे गल्लां हो नहीं सकदियां, दोनों गल्लां च ही चली जाते हैं। इस करके वह मन के अंदर परमेश्वर नूं देखिया जदों महात्मा ने, तां उहने दस्या कि है बई यकीन कर। फिर उहदी प्राप्ति का मुख साधन किहड़ा होया? नाम रतन को ब्यवहारी,
कहने नाम रूपी रतन उहदी प्राप्ति का मुख साधन है, पर नाम रूप रतन का कोई कोई व्यापारी है बहुते नहीं हुंदे। ऐन विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार, कोई कोई बंदा व्यापारी हुंदा उहदा, बहुत औखे मिलते ने लखां बंदियां विचों किते एक बंदा मिल जे बहुत गनीमत। नहीं तो सतगुरु कहंदे ने कोटन मैं नानक को नारायण जिहे चीत करोड़ां विचों एक बंदा हुंदा। अमृत भोजन करे आहारी, कहंदे ओह ब्रह्मानंद रूप अमृत भोजन का आहार करदा, छकदा इहनू मन तन अर्पी सेव करी जै, कवन सो जुगत जित कर पी जै। ਉਹ ਹੁਣ ਜੁਗਤੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅਰਪਣੇ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਦਾੜਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਛਹਿਰਾ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਿਲ ਸਾਹਕਾ ਕਿਨ ਵਿਦ ਪਾਵੈ, ਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਜਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਵੜ ਸਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਵਣ ਜਾਰੇ, ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਈਸ਼ਵਰ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਖੋਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਣਾ। ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਫਿਰਕੈ ਤੂੰ ਭਇਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ, ਕਵਨ ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖੋਜਿਤ ਖੋਜਿਤ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵੇਸਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਮੂਲਕ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਵੇਸਾਹੇ ਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਨੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ।